नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। कैन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एनथ टर्म ऑफ द ए पी। इसका पहला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि ए इक्वल टू 7 दिया गया है, डी इक्वल टू 3 दिया गया है, एन इक्वल टू 8 दिया गया है। तो हम लोगों को दोस्तों ए एन का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ए एन और टी एन तो एक ही होता है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि वी नो दैट ए एन और टी एन एक ही होता है, ठीक है, एनथ टर्म ही होता है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो टी एन का फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब यहाँ से देखिए ए एन तो एन ही रह जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू कितना बताइए, ए का वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस वन 7 इंटू 3। तो बताइए ए एन का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ए एन का वैल्यू हो गया 7 प्लस 21, तो ए एन इक्वल टू हो गया 28। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका पहला पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को ये दिया गया है, कर ए इक्वल टू माइनस 18, डी निकालना है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन का वैल्यू 0 दिया गया है। तो लिखिए यहाँ पे वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखिए इसमें वैल्यू, देखिए ए एन की जगह पर क्या है 0 है, 0 रखिए, इक्वल टू ए, ए का वैल्यू है माइनस 18 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है बताइए 10 है, माइनस वन, और डी की जगह पर कितना है हम लोगों को निकालना ही है। आगे देखिए 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18 प्लस 10 माइनस वन कितना हो गया 9 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 18 इक्वल टू हो गया 0। इससे आगे देखिए हो जाएगा 90 इक्वल टू माइनस 18 को राइट में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 18, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 9, ये कैंसिल होकर 2, तो देयरफॉर डी इक्वल टू इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया 2 आ गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, ए इक्वल टू निकालना है, डी माइनस 3 दिया गया, एन का वैल्यू 18 दिया गया, ए एन इक्वल टू कितना दिया गया माइनस 5। यहाँ पर लिखिए वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए एन, एन की जगह कितना है माइनस 5 इक्वल टू ए निकालना ही है, एन माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो गया माइनस 3। आगे देखिए हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस हो गया 17 इंटू माइनस 3। अब देखिए माइनस 5 इक्वल टू ए 17 इंटू माइनस 3 कितना हो गया बताइए माइनस 51, हो जाएगा माइनस 5, माइनस 51 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस 51 इक्वल टू कितना ए, तो क्या आ गया देखिए 51 में से 5 गया कितना हो गया 46 इक्वल टू ए, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए ए इक्वल टू 46। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया, ए का वैल्यू कितना है माइनस 18.9, डी इक्वल टू है 2.5, एन का वैल्यू फाइंड करना है और ए एन कितना दिया गया 3.6 दिया गया है। तो सेम फॉर्मूला लगाए, वी नो दैट देखिए ए एन इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन की जगह पर रखिए 3.6 इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना 2.5। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू माइनस 18.9 देखिए दोस्तों, इसको चाहेंगे तो हम लोग अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर दिया यार, नहीं तो इसको इधर शिफ्ट कर देते पहले, तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको, देखिए नंबर वाले को नंबर वाली तरफ ले जाएंगे, देखिए 3.6 माइनस को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 18.9, इसको ले जाएंगे इधर तो प्लस क्या हो जाएगा 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको 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 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 18.9 और ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा बताइए, 20 हो गया पॉइंट, टू हो जाएगा 25.0 हो गया। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों एन का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो 10 चला जाएगा ऊपर, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ गया बताइए 10, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया ए इक्वल टू कितना दिया 3.5, डी का वैल्यू कितना दिया गया 0, एन इक्वल टू कितना दिया 105 और ए एन इक्वल टू दिया गया है फाइंड करने के लिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए यहाँ पर वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन एन फाइंड ही करना है इक्वल टू ए, ए कितना है 3.5 प्लस एन माइनस वन यानी कि 105 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बताइए, डी का वैल्यू है 0। अब देखिए दोस्तों ये ए एन इक्वल टू ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये होगा 104 इंटू 0, इसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0 यानी कि ए एन का वैल्यू कितना आ गया, ए एन का वैल्यू 3.5 आ गया। तो आई होप दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। अब इसका देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, देखिए उसमें इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी 10.7.4 .. इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 97 होगा, बी में 77, सी में -77, डी में -87। इसका 30th टर्म दोस्तों हम लोग निकालना है इस एपी का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, डी का वैल्यू कितना हो गया 7 -10, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो कितना हो गया -3 और n का वैल्यू कितना हो गया 30। लगाइए फॉर्मूला tn का, क्योंकि हमको 30th टर्म कह रहा है, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है tn होता है, ये tn इक्वल टू क्या होता है बताइए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n के जगह पे यहाँ पर 30 रखिए तो t 30 हो जाएगा यानी कि a 10 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस वन और इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बताइए, डी का वैल्यू है -3। सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, हो जाएगा 10 माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 39 जा 27 और 32 जा 6 और 28, ठीक कितना हो जाएगा दोस्तों -77 हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट दिया गया है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2
डॉटर इज, कौन सा ऑप्शन होगा, 28, 22, माइनस 38 एंड माइनस 40 होल 1/2। सेम प्रोसेस है, तो क्योंकि हम लोग 11 टर्म निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे tn का। देखिए tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे हम लोगों को क्या दिया गया है बताइए, 11 दिया गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि देखिए हियर ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू हम लोग कितना है, माइनस 3 है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये देखिए माइनस 1/2 माइनस, यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। ओके सॉल्व कीजिए थोड़ा इसको, देखिए तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 3 जो 6, इसका डी का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। ओके डी का वैल्यू कितना आ गया, 5/2। अब यहाँ पर रखिए वैल्यू इसका, तो टी एन के जगह पर 11। ओके इक्वल टू ए, ए का वैल्यू कितना है, माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना, 5/2। आगे देखिए तो जगह टी 11 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स में, तो देखिए टी 11 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3 प्लस 25, तो इसका आंसर कितना आ गया, 22। तो देयरफॉर टी 11 इक्वल टू 22, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया, इन द फॉलोइंग ए पीज फाइंड द मिसिंग टर्म। ये ए पी हम लोगों को दिया गया, इसमें हम लोगों को मिसिंग टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि बॉक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। इसीलिए दोस्तों देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए पी में टर्म क्या होता है बताइए दोस्तों, ए पी में टर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है, पहले ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, ये ए प्लस 2D होता है, फिर ए प्लस 3D, फिर डॉट डॉट पहला टर्म ए होता है उसमें डी डी फिर ऐड करते चले जाते हैं। तो ये देखिए इसको हम लोग, ये ए है और ये क्या है, ए प्लस डी है और ये क्या है, ए प्लस 2D है। ओके अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम लोगों को क्या है कि जिसका जिसका वैल्यू दिया गया उसको हम पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। गिवन देखिए, गिवन ए इक्वल टू कितना है बताइए, 2 है, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और ए प्लस 2D का वैल्यू कितना है बताइए, 26 है। तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करें, ए का वैल्यू तो पता ही है, इसके ऑप्शन में क्या कर लेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे और इस डी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और ए का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो टर्म फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए के जगह पे यहाँ पर रखिए, ए का वैल्यू 2 है प्लस ये 2D इक्वल टू कितना होगा, 26 प्लस 2 उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 2D इक्वल टू कितना होगा, 26 और प्लस 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, तो यहाँ से D इक्वल टू कितना है, 24/2 कितना होगा, 12 हो जाएगा, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ओके दोस्तों डी का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अब बताइए हम लोगों का मिसिंग टर्म कौन सा था, ए प्लस डी था। देखिए यहाँ पे मिसिंग टर्म हम लोगों कौन सा था, ए प्लस डी, तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें निकाल लेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू कितना था, 12 प्लस डी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू सॉरी 2 और डी का वैल्यू कितना, 12, तो इसका आंसर कितना आ गया, 14। तो इस मिसिंग टर्म में दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 पुट कर दीजिए। ओके लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर मिसिंग टर्म्स, देयरफॉर मिसिंग टर्म्स इक्वल टू कितना, 14। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें ध्यान देना, जो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग इक्वेट करके ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे पुट कर देंगे मिसिंग टर्म में। ओके अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट हम लोगों को दिया गया है। पहले देखिए बॉक्स दिया गया है, फिर कॉमा 13 कॉमा फिर बॉक्स फिर कॉमा 3 दिया गया। इस दोनों मिसिंग टर्म का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बताइए दोस्तों ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ए है, ये क्या है ए प्लस डी है, ये क्या है ए प्लस 2D है और ये क्या है ए प्लस 3D दिया गया। तो जिसका जिसका दोस्तों हम लोगों को वैल्यू पता है उसको पहले वहाँ पर लिखिए, लिखिए यहाँ पर गिवन,
किसका किसका वैल्यू पता है, ए प्लस डी का वैल्यू पता है और ए प्लस थ्री डी का पता है। यहाँ पर लिखिए ए प्लस डी इक्वल टू कितना 13, इसको इक्वेशन वन लेट कर लीजिए। एंड ए प्लस थ्री डी इक्वल टू कितना 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। अब बारी बारी इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल मिसिंग टर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू कितना 13 है और ए प्लस थ्री डी इक्वल टू कितना है 3 है। ओके अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो कीजिए पहले, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल। देखिए डी में से थ्री डी गया तो कितना हो जाएगा -2d, 13 - 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से दोस्तों देखिए -2d इक्वल टू आ गया 10, तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया 10/-2, ये कैंसिल कीजिए तो डी का वैल्यू कितना आ गया -5। ओके डी का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कोई में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं, वी गेट। तो देखिए इक्वेशन वन में रखेंगे डी का वैल्यू तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन वन पर लिखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू कितना है 13। तो ए प्लस डी, डी का वैल्यू कितना, देखिए दोस्तों डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है -5 इक्वल टू कितना 13। तो ये ए प्लस माइनस क्या हो गया -5 इक्वल टू कितना हो गया 13। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 13 प्लस -5 उधर ले गए तो ए इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। तो देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो इसमें पहला टर्म देखिए बॉक्स में क्या था, देखिए यहाँ पहला टर्म मिसिंग था तो ए के जगह हम लोग क्या किया यहाँ पे 18 रख दिए। ओके अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना, ए प्लस टू डी का, देखिए लिखेंगे देयर फोर ए प्लस टू डी, तो ए का वैल्यू कितना 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना -5, तो 18 - 10 इक्वल टू कितना 8 हो गया। ओके दोस्तों लेकिन देयर फोर मिसिंग टर्म्स आर क्या क्या आ गया दोस्तों 18 and 8। यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पे कि सेकेंड टर्म जो मिसिंग था वो कितना है 8 आया है। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। यदि मेरा चैनल वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।